बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के बड़वाह में माताजी विसर्जन के दौरान सनावत के पास की कॉलोनी मोरघड़ी के दो युवकों की दारू गोदाम के पीछे चोरल नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को नदी से निकाल लिया गया है। सुनील पिता काशीराम जाति बलाई उम्र 18 वर्ष मोरघड़ी सनावत को नदी से जीवित अवस्था में बाहर निकाला गया था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। दूसरा युवक विशाल पिता समोरिया जाति बलाई 19 वर्ष को नदी से 45 मिनट बाद मृत अवस्था में निकाला गया, जिसे सिविल हॉस्पिटल बड़वा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। पीएम होने के बाद शवों को परिवार को सौंप दिया जाएगा। बताया गया है दोनों युवक एक ही परिवार के हैं। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। लड़के कहाँ के? ये मोरघड़ी कॉलोनी के कॉलेज के पीछे वाले। अच्छा, क्या नाम है इनका? एक का नाम अनिल था। अच्छा, एक का नाम विशाल है। अनिल पिता? अनिल पिता काशीराम। और विशाल पिता? विशाल पिता सुमारिया। अच्छा, ये दोनों की उम्र क्या है? दोनों की उम्र होगी 17-18 साल के लिए। दोनों के? हाँ। तो यहाँ क्या किस दौरान क्या हादसा हुआ आपके साथ? माता जी झंडी करने आए थे। अच्छा, वो उधर बेतल में निकल गए। वो तो वापस निकले या नहीं निकले? एक वापसी निकला है, एक नहीं निकला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रतलाम जिले के विक्रमगढ़ आलोट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला, जिसमें संघ के स्वयंसेवक कदम ताल करते हुए चल रहे थे। साथ ही संघ का घोष मधुर ध्वनि बजा रहा था। स्वयं सेवक हाथों में भगवा ध्वज लिए संचलन में चल रहे थे। संचलन विक्रमगढ़ में बजरंग मोहल्ले से प्रारंभ हुआ, साथ ही आलोट नगर का पथ संचलन ऊपरली टोल में प्रारंभ हुआ। संचलन के पूर्व जिला प्रचार प्रसार प्रमुख राजीव लोचन ठाकुर ने उपस्थित स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन किया। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के समापन के अवसर